तो और भाई लोग क्या हाल है। तो लेके आ चुके एक और न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में इस पोको एक्सिस प्रो को 2 महीने का टाइम हो चुका है यूज करते हुए। और आज इसका करने वाले हैं 100 to 0% का बैटरी का डेंट टेस्ट। वैसे तो इसका बैटरी का डेंट टेस्ट काफ़ी बार में कर चुका हूँ, लेकिन जो इस बार जो इसका रिजल्ट निकल के आया है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। तो अगर आप लोग पोको एक्सिस प्रो बाय करना चाहते हो अभी के लिए, तो इसका जो बैटरी का डेंट टेस्ट क्या रहने वाला है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा, इसका बैटरी बैकअप क्या रहने वाला है। तो अभी बात कर लेते हैं इसके वेरिएंट की। तो जो वेरिएंट मेरे पास है वो 8GB 256GB में है, और इसके साथ जो प्रोसेसर आता है वो Dimensity 8300 Ultra है। तो परफॉर्मेंस काफ़ी सही निकाल के देता है गेमिंग के मामले में। तो अभी इसका गेमिंग करेंगे BGMI में, और 100 to 0% का इसका बैटरी का डेंट टेस्ट करेंगे। और इसका जो दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 50% तक हम इसको डाउन करेंगे, और फिर देखते हैं कि 50% डाउन होने में इतने कितने घंटे ले लिए, और उसके बाद इसको 1% तक डाउन करेंगे, और फिर देखते हैं कि लास्ट में कितने घंटे लेता है। तो अभी के लिए इसको 100% चार्ज करके रखा है और आपको मैंने दिखा दिया है। तो जल्दी से अभी स्टॉप वॉच चालू कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ना BGMI चालू कर लेते हैं। और एक बार बात कर लेते हैं इसकी ग्राफिक सेटिंग के बारे में। तो अभी बात करें इसकी ग्राफिक सेटिंग की। तो ग्राफिक सेटिंग तो पता ही होगी, लेकिन कुछ डाउट है तो मैं बता देता हूँ। ये स्मूथ में एक्सट्रीम प्लस तक जाता है, यानी कि 90 FPS, और बाकी आगे का ये HDR तक एक्सट्रीम जाता है, और Ultra HD Ultra तक ही रहता है। तो अभी के लिए इसकी अपडेट के बाद यही इसकी ग्राफिक सेटिंग है। तो अभी के लिए जो इसमें 120 FPS का सपोर्ट मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, कुछ भाई लोग का डाउट था, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला 120 FPS का, भाई 90 FPS है स्मूथ में। और अभी जो हम टेस्ट करने वाले हैं उसका जो इसमें परफॉर्मेंस मोड है उसको बंद करके इसका डेंट टेस्ट करेंगे। इसका परफॉर्मेंस मोड अभी ऑन है, तो अभी इसका बंद करके इसका बैटरी का डेंट टेस्ट करेंगे, और देखते हैं ये कितना टाइम ले लेता है 1% आने में, यानी कि 0% होने में। तो अभी टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से गेम चालू कर लेते हैं। और भाई लोग उससे पहले आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। और इसमें जो ब्राइटनेस है दोनों के सेम रखने वाले हैं, 90+100 तो मैंने नहीं करी हुई है, और स्टॉप वॉच मैंने चालू कर लिया है। तो इसमें गेमिंग भी जल्दी से चालू कर लेते हैं। जो लोग जायरो प्लेयर हैं तो उनके लिए जो उनका हैंड गेम रिकॉर्ड होता है उसमें उनके हाथ बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, तभी वो अच्छे से खेल पाएंगे, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाती है। I'm out. Need ammo. Thank you. भाई मेरे टीममेट को टारगेट मार दिया इन बंदों ने। I'm out. Need ammo. Thank you. अरे यार ये साइड से आ गया।
तो अभी इसको 50% तक ड्रेन कर लिया है और अभी मैं दिखा दूंगा आपको 50% तक ये आ गया है। और अभी स्टॉप वॉच जल्दी से देख लेते हैं कि कितना घंटे का टाइम लग गया इसको डाउन होने में। तो 3 घंटे 5 मिनट की गेमिंग जो है इसने करवा दी 50% ड्रेन होने तक। तो अभी के लिए हम सीधा 1% तक ड्रेन इसको करेंगे और उसमें देखेंगे कि इसका टाइम लगा पूरा वो कितना होता है। तो परफॉर्मेंस मोड मैंने पहले भी ऑफ रखा था और अभी भी ऑफ ही है, तो अभी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई बंदा दोबारा रिकॉल हो गया था, भाई दोबारा अभी से भर देते हैं। तो अभी देखते हैं भाई बंदे आगे भी होंगे। यहाँ से बंदा ऊपर चढ़ जाता है लेकिन दिक्कत में चढ़ता है। ये बंदे तो ओपन में घूम रहे हैं पूरे। भाई ये बंदा कफ लेंक मार दिया, कुछ पता नहीं लगा, अभी बच ही गया था। तो अभी ना पूरी कंप्लीट कर ली है और इसको ना ये अभी देख लो आप 2% बचा हुआ है। और ये 2% इसलिए है क्योंकि मैंने इसको दोबारा चार्ज किया था, बिल्कुल ऑफ हो गया था, तो उसमें 2-3 मिनट ले लिए इसने 2% आने में। तो कह सकते हैं कि ये 1% तक या 0% तक डाउन होने में इसने 5 घंटे 50 मिनट का टाइम ले लिया है। और ब्राइटनेस का मैंने आपको बता दिया था और जो इसका परफॉर्मेंस मोड था वो ऑफ था वो भी मैंने आपको बताया था। और ब्राइटनेस की और वॉल्यूम दोनों में 90+ रखा था, पूरा 100% तो मैंने नहीं किया था। और स्मूथ में एक्सट्रीम प्लस रखा था। तो इसने जो बैटरी बैकअप दिया है वो 5 घंटे 50 मिनट का दिया है और इसका टेम्परेचर है वो 45 समथिंग 46 तक पहुँच गया था, क्योंकि जो मैंने गेमिंग करी थी वो लो फैन पर करी थी, इतना तेज़ फैन तो नहीं चल रहा था। तो भाई लोग यही था आज का वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।